शाम हो चला बनाने कोई शेयर नहीं मैं चलो अज जो चने बनाने जिम्मे बनावे ब्लैक चने बना रहे हैं जिम्मे बनावे अपनी भैन भाई नाम शेयर करा हाँ जी हम मैं पा लें हाँ जी चीज़ ऐड कर लें तो मैं अपने भैन भाई नाम शेयर कर सब तो पहले चने ये पा लें ये ब्लैक चने हैं तो मैं गाँव चो लैके आई सी बहुत मज़ेदार बन रहे चने ऐड कर ले प्याज ऐड करेंगे हूँ लसन और सब्ज़ मिर्च टमाटर मैं पावगी जो भुनन लगागी उस टाइम से टमाटर पावगी कुछ देर पहले पा लेनी मैं पाउडर मसाले सब तो पहले खुश्क धनिया रेड मिर्च और नमक जी बेटे आ रही हूँ आ रही हूँ पा लेने जी ये हल्दी हल्दी वैसे भी डब्बी चो खत्म हो गई है कि मैं गई हुई सी गाँव तो मैं चीज़ा देखी नहीं हूँ मैं डब्बी पहले हल्दी पा लें लेकिन हांडी चो गया है हांडी पा लवा पहले उस तो बाद मैं डब्बी हल्दी पानी लो जी हल्दी हो गई हूँ जी ये पा लें थोड़ा जिना पानी पानी पा लिया हर चीज़ में मिक्स करती है उन्हें पकने रख देंगे क्यों मेरा कुकर नहीं है मैं कुकर में तो नहीं बना रही हांडी में ही बना लेनी है देगची में ही बनानी है लेकिन अच्छे बनते हैं मज़े के बनते हैं तो मैं हूँ इन मतलब इन्होंने पकने रख लेनी है तो जो पक जाएंगे जिम्मे जिम्मे भुनागी उन्हें भैन भाई नाल नाल जरूर शेयर करानी तो मैं पहले हांडी बना लगी सी फिर हांडी नहीं बना ली फिर मैं चलो मैं ये ही बना लेनी हूँ लेकिन हांडी में अच्छे बनते हैं तो मैं देगची में धो करा कि मैं देगची में ही बना रही हूँ देखी तो अगर आगे ना मम्मा ये बना लो मैं चलो ठीक हो गया पानी चला लें हूँ मैं पानी उपर रख दी हूँ पानी शानी पाता पानी वगैरह पा लिया मैं ये हूँ ये अच्छे तरीके पक जाएगी तो फिर इन्हें मैं भून लाँगी बाहर चूल्हे से जाए तो पापा आए हैं कि मैं चाय बना दे उन्होंने मैं चाय बना के दे रही हूँ तो यह वा मेरी मैं इतने मतलब ना हांडी मैं इतने ला लेती है सालन इतने तैयार हो रहा वा जिम्मे बाद चूल्हा फारग होगा फिर मैं बाहर रख लाँगी क्योंकि किचन तो गर्मी बहुत ज्यादा चाय बन चली है मैं चाय रख के उपर उस हांडी भी रखी आई हूँ चाय भी बन चली है चाय दिनी जैन पापा जैन पापा चाय तो पहले बोली है गर्मी है सर्दी है चाय बहुत ज्यादा पीती लेकिन मेरे तो फिलहाल बंद की हुई मैं तो नहीं पीती डॉक्टर ने नहीं मना किया मैं नहीं पीनी जैन पापा वास्ते बना तो माशाल्लाह बड़ा मग भर के माशाल्लाह पानी के खुशक हो चला थोड़ा जिना पानी रह गया चने भी माशाल्लाह गल गए अच्छे तरीके नाल घे पावे भुनागे थोड़ी देर मतलब अरे पानी हैगा वा अब थोड़ी देर तो बाद प्याज भी बिल्कुल गल गए ने मेरे को है नहीं मैं कुकर तो बगैर ही मतलब इसी तरह ही बनाने चने माशाल्लाह बिल्कुल गर्म हो चुके हैं पाने के अजकल पहले अभी आई भी इस्तेमाल करते अजकल जाने पापा घे लैके आ रहे हैं तो घे इस्तेमाल कर रहे हैं ज्यादा नहीं पाया डेढ़ मतलब भी दो ही पाया घे तो काफी है घे वैसे मैंने भी डॉक्टर ने भी मना किया वा बिल्कुल नहीं खाना तो फिर छोरे वाली चीज़ है छोरे वाली चीज़ मतलब घे ढा के उन्हें क्या मतलब ना तरी उपर साइड करके फिर खा सकते हैं
इस करके मैं फिर बखेरे बिलकुल कम पा लिया सैड से करके ना शोर में ना भी रोटी खा सकती हूँ फिर इन आके भून हाले उपरे ढक दी टमाटर ना छिल रहे हैं हम सालन बिल्कुल जरा रेडी हो चला तो मैं सालन टमाटर छिल के ये पानी च पानी छिलका यदा जरा सख्त हों छिलका तो गलता ही नहीं पेट में ही जाके नहीं गलता इस करके फिर छिलके पा लो वही बेहतर आ कोई नुकसान वगैरह भी नहीं होता फिर ये बीच भी नहीं पा दें कहते हैं बीज जरा वा पत्थरी करता वो पता नहीं शायद मैंने इन्ना वहम पै गया वा तो मैं बिल्कुल ही डर गई हूँ तो इस करके मैं खा जो इतिहास अच्छी है बच्चों वास्ते भी तो मुश्किल है ना फिर तो मैं बिल्कुल सफाई कर ली बीज वगैरह सारे निकाल लिया हाँ बीज सारे निकल आए माशाल्लाह और मैं कर लेनी हाँ बीच बीज वगैरह नहीं गए छिलके भी नहीं गए हम बिच अच्छे तरीके पक जाए ये मैं पाता ये हाँ बीच छिलके में बिच पा देनी है तो मेरे को टोकरी वगैरह नहीं सी इस करके फिर मैं बीच थोड़ी देर तो ढक्कन देने ताकि टमाटर गल जाने हाँ जी मैं भून रही हूँ अच्छे तरीके चने भुज फिर उस बाद पानी ऐड कर चने बहुत मजेदार बनते हैं ये पके हो इस तरह बनते जिमें गोश्त परे कर रहे हैं गोश्त तो भी ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं असं तो वैसे बहुत शौक न खाई देने सू मतलब इन्ना गोश्त का शौक नहीं होंगे सब्जियां वगैरह तो नाले चने वगैरह कि दाला वगैरह हो गई महंगा गोश्त हो गए भी इन्ना महंगा लैके कौन बना ले उन वैसे मुर्गी का गोश्त भी बहुत महंगा हो जाए तरीके पूछ लेने फिर ये मैं पानी भी ऐड करूँगी पानी भी हल्का जहाँ लगावगी इन्ना ज़्यादा नहीं लगावगी माशाल्लाह टमाटर भी साढ़े गल चुके हैं अच्छा बन गया सब भून लो मैंने अच्छे तरीके अदरक लहसुन भी इसी तरह मैं पानी हूँ मतलब अदरक पीस लिया चाहते वैसे अदरक नहीं पाया सब्ज़ मिर्च और लहसुन सब कहना प्याज इसी तरह कट के नाल ऐड कर दिया तो अच्छे तरीके मतलब पानी के बीच गल जाएगा थोड़ी जी टेस्ट करना फिर लाख मठी दिखी हुई थी मैं क्या चने ना अच्छे तरीके बल जाने फिर क्या कहना मम्मा ये भी चला दो ना तो मैं नजैन हेल्प करवा लेता वा ना तो आना सी मेरी भांच ने भी आना सीगा फिर वो आई नहीं बेचारी तो वो तबीयत नहीं ठीक सी इस करके वो आई नहीं फिर जैन के पापा लैन वास्ते ले सर मैं जो तबीयत सैट हो गई ना तो फिर मतलब आएगी फिर कॉल की मैं क्या तुम ना मेरे को आ जाओ फिर तबीयत ठीक नहीं है जो बच्चों ने स्कूल तो लैंना भी होंगे वा तो कम भी ज़रा परेशानी होती है शायद हो सकता मेरी भाभी वगैरह भी आ मेरे को भाई लोग आने फिर मुल्तान गए ठीक है लेकिन अलग रहते हैं तो किराए तो रहते ना लेकिन जिम्मे मैं कल हाँ तो वैसे मेरे कोई ना कोई होना चाहिए वा तो कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने भी कह रहे हैं कि तुम साढ़े को आ जाओ जो साढ़े को आ गए तो अपने भैन भाई नाच के जरूर करा घेर भी छोड़ दिता आंटी ने मिर्च भी आई मैं अच्छा मैं हम ए पानी ऐड भी कहना भुज चुके हैं मैं पानी ऐड कर दी मैं ऐड कर दिता वा हम मैं
ਉੱਪਰ ਢੱਕਣ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੱਕ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵੇਰ ਵੇਰ ਲਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ अंदर बहुत शदीद गर्मी है किचन किचन छोटा है ना तो मैं मतलब बना चिड़िया ने घोंसला बनाया वा तो बच्चे भी निकाले चीज चीज कर रही है इन्नी प्यार लाई चुप हो गया किनिया सियानिया खामोश हो गई पहले कि शोर मचाया से चुप हो गया नारी गर्म हो गया उन्हें मैं सवेरा कर ला रोटियां सेक रही हैं रोटी में पा दी सी पहले तो रोटी प्याज भी हो गई रोटी में सेक रही हैं चिड़िया भी इन्हें सियानियाँ झट कर जो लागे नजदीक होंगे तो बोलना शुरू जो खामोश हो जाए जो थोड़े दूर हो जाने तो बोलना शुरू कर दी चलो जी रोटी मैं बना ली है और मैं देख लवा सालन सब माशाल्लाह सब रेडी हो चुका हूँ मैं पा दी हाँ चूल्हा बंद कर दी हाँ बिच पा दी हाँ गर्म मसाला बहुत मज़ेदार ब्लैक चने बन गए बहुत प्यारे बन गए मेरे ऊपर दिनी ढकन ताकि गर्म मसाले की खुशबू बिच ही रहे रोटी भी मैं माशाल्लाह तैयार कर ली सालन भी तैयार कर लिया जो अज की रैसपी बनाई मैं अपने भैन भाई ने शेयर की यह वाली साड़ी अज की वीडियो मेरे भैन भाई ने अच्छी लगी पसंद आए लाइक करो शेयर करो कमेंट में सानू जरूर दस्यो सामने इजाजत अल्लाह हाफिज़।